बारिश का मौसम हो और कुछ मीठा खाने का मन न करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। और अगर हमारे सामने नया वाला गुड़ आ जाए तो गुड़ का ही कुछ मीठा मीठा बनाते हैं। सबसे पहले गुड़ को हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इससे घोल लेंगे। गुड़ खाना हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस पे ऐड कर दी क्रश की हुई सौंफ, थोड़ी सी इलायची पाउडर। अब ये सबको मिक्स होने देंगे और हम बना रहे हैं गुड़ के मीठे वाले चीले। और सौंफ और इलायची पाउडर इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोग नखरे करते हैं कि मुंह में सौंफ आ गई, मुंह में इलायची आ गई, हमें पसंद नहीं है। जब थोड़ा ये थिक हो जाएगा ना तो हम इसे छान लेंगे। छानने से ये होगा कि स्वाद तो उसमें आ जाएगा पर खाते वक्त आपके मुंह में ना तो सौंफ आएगी और ना इलायची के दाने आएंगे। ये सारे छानते ही बाहर निकल जाएंगे और पीछे छोड़ जाएंगे गुड़ वाला मीठा मीठा लिक्विड, गुड़, इलायची और सौंफ का रस। इसे मिला देते हैं और इस पे हम ऐड करेंगे थोड़े से क्रश किए हुए काजू। गुड़ के चीले में ड्राई फ्रूट्स, वाजिवा वाजिवा। थोड़े से बादाम। इसे गरम गरम पानी में मिक्स करना है ताकि थोड़े ये भी गरम हो जाएं। अरे भाई मिक्स हो जाए। अब इस पे डालेंगे आटा, नॉर्मल आटा गेहूं का, और इसे मिलाते जाएंगे। थोड़ा पानी भी ऐड करना होगा, ज़्यादा थिक बैटर होगा तो चीले तो बनेंगे नहीं, तो थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जब हम कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसका टेस्ट हमें अपने आप आने लग जाता है। तो वैसे ही मुझे लग रहा था जब मैंने गुड़ में पानी ऐड किया, देन सौंफ ऐड की, फिर इलायची ऐड की, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ही, मतलब कि चीला बन गया, ऐसा लग रहा था मुझे। तुम रुक क्यों गए हो, चलते जाओ, बैटर को रेडी तो करो। पता नहीं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की किसने बनाई है, मेरा तो सोच सोच के ही भूख बढ़ जाती है। अच्छी तरह से मिक्स करके सारे लम्स हटा दीजिए और एक थिक वाला बैटर तैयार कर लीजिए। मुझे पता है ये चीले आपने खाए हैं और अगर नहीं खाए हैं तो ज़रूर इसे बनाए, और अगर खाए भी हैं तो फिर से बना लीजिए। हाँ, पर इसे बनाना है देसी घी में, क्योंकि जो ना करे माँ प्यो वो करे क्यो। इस बैटर को थोड़ा थोड़ा राउंड 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 जितना बड़ा आपको चीला बनाना है डाल दीजिए, और ज़्यादा बेहतर होगा कि छोटे छोटे बनाएं, जल्दी भी बन जाते हैं। और ऐसे पलट दिया, देखिए किस तरह घी में डुबकनियाँ लगाए हुए हैं, साथ में खट्टा मीठा आम का अचार। बस पलटते जाइए, थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए और इसे हम बहुत जल्दी पेट तक पहुंचाने वाले हैं। आ जाइए, दैट्स इट। बाहर हो रही है बारिश और अंदर बन रहे हैं मीठे वाले गुड़ के चीले, बेहतरीन। अब कहाँ वेट होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए कि कैसे बने थे जो मैंने बनाए थे।
आप सभी का बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं।